बहुत अच्छे से सभी लोग सुनिएगा, आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हाल ही में देश की यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही थी, जो 2004 से प्रभावी थी, उसी का विकल्प है। यानी कि जिन लोगों ने एनपीएस में अब तक कंट्रीब्यूशन किया है, उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इस ओपीएस में कन्वर्ट कर सके, सॉरी ओपीएस की जगह पर यूपीएस में कन्वर्ट कर सके। डिमांड ओपीएस की चल रही थी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन अब सरकार ओपीएस की जगह पर क्या लेकर के आई है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो क्या यूपीएस में मिलेगा खास, आपको हम जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो कुछ बातें यहां पर, फिलहाल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और डेट रखी है इसको लागू करने की, वो है 1 अप्रैल 2025। और राज्यों को यहां पर बता दिया है कि आप अपनी स्वेच्छा से इसको अपने राज्य में, जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए भी लागू कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा यहां पर पेंशन का, जानते हैं। पहली बात तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, कि कम से कम कितने वर्ष नौकरी करनी जरूरी है तब आपको यह पेंशन, यानी कि यूपीएस के दायरे में पेंशन रिसीव होगी। तो मिनिमम जो टाइम दिया गया है वो है 25 वर्ष। हालांकि एक सेकेंड ऑप्शन भी है, आगे अभी आपको बताऊंगा कि अगर 25 वर्ष आप नौकरी नहीं करते हैं तो क्या आपको पेंशन मिलेगी, बात करेंगे। लेकिन 25 वर्ष याद रखिएगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, इतना जरूर आपको करना है तभी पेंशन आपको प्राप्त होगी। और पेंशन जो मिलेगी वो क्या होगा, द स्कीम गारंटी 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द फाइनल 12 मंथ प्रायर टू द सुपर एनुएशन। यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होगा, जब आपकी सेवानिवृत्ति होगी, सेवानिवृत्ति का जो आखिरी वर्ष होगा, उस आखिरी वर्ष यानी कि आखिरी 12 सैलरी जो आपको मिलेगी, उस 12 सैलरी का एक एवरेज पे निकाला जाएगा। 12 सालों का टोटल अमाउंट ले लिया जाएगा, अपॉन 12 कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज बेसिक पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति की सैलरी, ठीक है, 10,000 रुपए है। अब इसमें हर साल कुछ ना कुछ, मतलब हर महीने हो सकता है कुछ चेंज आया हो, 6 महीने में कुछ चेंज आया हो, बट हम ये नहीं मानते, हम ये मान लेते हैं हर महीने 10,000 मिल रही थी यहां पर, तो साल के अंत में उसको कितना मिल गया, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए पूरे साल का जोड़ेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 10,000 निकल करके आएगा। यानी कि जो उसकी एवरेज बेसिक पे है वो 10,000 रुपए निकल करके आई। अब उसका 50%, जो भी एवरेज निकल करके आएगा उसका 50% पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। द स्कीम इंश्योर्स दैट इन केस ऑफ एम्प्लॉइज डेथ देयर फैमिली विल गेट 60% ऑफ देयर पेंशन। जो पेंशन इसको मिलेगी, यानी कि 50%, अभी बात कर रहा था मैं, ठीक है, अगर 10,000 रुपए सैलरी निकल करके आई तो इसको पेंशन कितनी मिलेगी, इसको पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए, ठीक है। अब अगेन याद रखिएगा, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो याद रखिएगा इसकी जो फैमिली है उसको 60% पेंशन मिलेगी इसका, तो 5,000 का 60% कितना हुआ, 3,000, 5 × 6, 3,000। तो ये 60% ऑफ देयर पेंशन, इसकी पेंशन का, इसकी पेंशन का 60% ये फैमिली को पेंशन प्राप्त होगी इस स्कीम के अंतर्गत। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मूल पेंशन की गारंटी दी जाएगी। एक बात यहां पर और बताई गई, जो मैंने दूसरे ऑप्शन के बारे में बात किया, कि अगर आप 25 वर्ष नौकरी नहीं करते हैं तो कम से कम 10 साल जो है वो नौकरी करनी यहां पर जरूरी है, एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर 10 साल की सर्विस आपने पूरी कर ली है तो 10 साल बाद 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की ये गारंटी दी जाएगी। यानी कि 10 साल पूरे करने के बाद एटलीस्ट 10,000 रुपए महीने की पेंशन जरूर प्रदान की जाएगी। एश्योर्ड पेंशंस, गारंटीड फैमिली पेंशन एंड गारंटीड मिनिमम पेंशन आर ऑल सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन इंडेक्सेज। यानी कि जितनी भी पेंशन मिलेगी, चाहे आपको पेंशन मिले, चाहे 10 साल के बाद पेंशन मिले, चाहे 25 वर्ष के बाद पेंशन मिले, या डेथ हो जाने पर फैमिली को जो पेंशन मिलेगी, ये सारी पेंशन इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के दायरे में आएगी। यानी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको पेंशन बढ़ाई जाएगी। जैसे आज भी अगर मैं बात करूं, दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक होता है डीए, एक होता है डीआर। डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, जो कि सैलरी वालों के लिए मिलता है, और डीआर का मतलब होता है डियरनेस रिलीफ। तो जब जब केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में परिवर्तन करती है तो पेंशन में भी परिवर्तन होता है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का मतलब यही है,
जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन को भी इंक्रीज किया जाएगा इन्फ्लेशन के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब बात यह आती है कौन सा इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया जाएगा, तो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPIIL। ये वैसे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया यहां पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स गांव में होता है कृषि श्रमिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन कृषि श्रमिकों के हिसाब से रखा जाता है। IL में जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स होते हैं यानी कि औद्योगिक श्रमिक, शहरों में कौन से श्रमिक मिलते हैं औद्योगिक श्रमिक, तो शहरों वाला जो ये CPI इंडेक्स है जिसको हम CPI IL यानी कि इंडस्ट्रियल लेबरर्स के नाम से जानते हैं, इसके आधार पर ही डियरनेस रिलीफ, देखो बात आ गई ना DR यहां पर क्या किया जाएगा प्रदान किया जाएगा। इन एडिशन टू द ग्रेच्युटी देयर विल बी अ लंप सम पेमेंट एट सुपर एनुएशन। ग्रेच्युटी के अलावा, ग्रेच्युटी तो मिलेगी ही मिलेगी अगर आप नौकर हैं यहां पर केंद्र सरकार में, ठीक है ये तो नियम है, कई प्राइवेट कंपनियों में भी ग्रेच्युटी मिलती है, तो ग्रेच्युटी तो मिलेगी ही, वो एक अमाउंट अलग है, ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान भी होगा। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में होता था जब व्यक्ति रिटायर्ड होता था, ठीक है तो टोटल जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता था उसका 50% वो विड्रॉ कर सकता था, बाकी से पेंशन बन जाती थी, ठीक है तो सेम एज यहां पर कुछ ना कुछ एक मुश्त भुगतान भी होगा। देन द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, ये जो योजना है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। एडिशनली द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द ऑप्शन टू यूज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य सरकारों के पास यह विकल्प होगा कि वो UPS चुन सकते हैं। Employees of the central government would be able to select between UPS and NPS. NPS जो वर्तमान में चल रही है, ठीक है NPS जो वर्तमान में चल रही है 2004 के बाद जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है वो NPS का हिस्सा है, तो गेन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके पास दोनों ऑप्शन होंगे, वो न्यू पेंशन स्कीम को भी चुन सकते हैं और UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी सरकार ने लागू करी है इसको चुन सकते हैं। करेंट NPS सब्सक्राइबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव द चॉइस टू मूव टू UPS, और अगेन जो नए आएंगे एम्प्लॉई उनके पास तो ऑप्शन होगा चाहे NPS चुनो चाहे UPS चुनो, लेकिन जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनके पास भी ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए कोई NPS में कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस योजना के लागू होने के बाद UPS के लागू होने के बाद वो UPS में स्विच होना चाहता है तो भी उसके लिए ऑप्शन होगा। एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट हायर्ड ऑन आर आफ्टर 1 अप्रैल 2024 आर कवर्ड बाई द NPS, जो मैंने आपको बताया क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से देश में पेंशन सिस्टम को, पेंशन प्रणाली को खत्म कर दिया गया था, तो उसके बाद से जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम का हिस्सा थे। देन NPS इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल एज अपोज टू द डिफाइंड बेनिफिट प्लान दैट इज एक्सेबल टू वर्कर्स हायर्ड प्रायर टू दिस डेट। जो NPS है ये कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल पर आधारित था यानी कि अंशदान मॉडल, इसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता था यानी कि आपकी जेब से भी पैसे लिए जाते थे, आप भी यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट करते थे और एम्प्लॉयर भी आपको कॉन्ट्रीब्यूट करता था, उसके आधार पर एक मुश्त पेंशन आपको मिलती थी। अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड लेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन, अभी हाल ही में बताया था कि नए कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं TV सोमनाथन, तो TV सोमनाथन की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, जो भी इश्यू इस पेंशन स्कीम से रिलेटेड होंगे उन पर यह कमेटी काम करेगी, तो इस कमेटी को फॉर्म किया जाएगा कि आगे फर्दर कोई इश्यूज हो तो इनको सॉल्व किया जाए और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाए। तो गेन चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।